हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी उसका टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो अपना इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, दो पार्ट्स में होगी ये क्लास। मैं आज ही दोनों पार्ट्स जो है आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा एंड देन इसके बाद जो है दोनों पार्ट्स के बाद आपकी केस स्टडीज की क्लास जो है वो आएगी। ठीक है, तो हेडिंग डालो इमोशनल इंटेलिजेंस। लिखो, इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट। इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट। PSYCOLOGICAL साइकोलॉजिकल स्टेट दैट इन्वॉल्व थ्री डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेंट्स। नंबर वन, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। नंबर टू, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। नंबर थ्री, बिहेवियरल एंड एक्सप्रेसिव रिस्पॉन्स। पहला चेंज करके लिखो, इमोशंस आर अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। इवन मोर सिग्निफिकेंट दैन रैशनैलिटी एंड लॉजिक। रिपीट कर रहा हूं पहला, इमोशंस आर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। इवन मोर सिग्निफिकेंट दैन THEN दैन रैशनैलिटी एंड लॉजिक। फुल स्टॉप। द अमेरिकन राइटर एंड लेक्चरर डेल कार्नेजी Remarks that, quote unquote में लिखना है इसको, when dealing with people, remember, You are not dealing with creatures of logic, but with creatures of emotions. Full stop, inverted commas, close. Robert Plutchik, PLUTCHIK, a professor of medicine, इसमें P silent होगा, a professor of medicine, Robert Plutchik,
a professor of medicine in Albert Einstein College, Robert Lutchik, a professor of medicine in Albert Einstein College in US, remarks 8 basic emotions. Remarks 8 basic emotions that human experience. That human experience. Full stop. कौन कौन से हैं? 8 points लिखो. Number 1, fear. Fear. Number 2, anger. Number 3, sadness. Slash sorrow. Sadness slash sorrow. Number 4, joy. J-O-Y, joy. Number 5, disgust. Disgust. D-I-S-G-U-S-T, disgust. Number 6, surprise. Surprise. Number 7, trust. Trust. Number 8, anticipation. Anticipation. Para change karke likho. Emotions are important. Emotions are important. And they play vital functions. Vital functions at intrapersonal and interpersonal level. Intrapersonal and interpersonal level. Emotions are important and they play vital functions at INTRA, intrapersonal and interpersonal, INTER. Interpersonal level, full stop. Para change, new heading, functions of emotions. Next heading है functions of emotion at intrapersonal level. अब intrapersonal level पे discuss करेंगे functions of emotions at intrapersonal level. देखो number 1, helps us act quickly with minimal conscious awareness. Minimal conscious awareness. For example, if you don't have emotions, you cannot make rapid decisions concerning whether to attack, comma, defend, comma, flee, bhag jana, flee, etc. In any situation. Second point. Emotions help prepare the body. Emotions help prepare the body for immediate action. For example, when we are afraid or stressed. When we are afraid or stressed, our bodies shut down unneeded digestive processes resulting in saliva reduction
saliva reduction, comma, a situation of dry mouth, a situation of dry mouth. ठीक है, जब पीपीएससी का इंटरव्यू देने जाते हो, यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाते हो तो गला सूखता है. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को पता होता है कि हमें जो है अभी बाकी चीजें जो है उस पर फोकस जो है वो नहीं करना है. ठीक है, हमारा फोकस जो है वो एक जगह डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमारे डाइजेस्टिव फंक्शंस होते हैं उसको स्टॉप कर देती है. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम जो है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीएससी में कि डाइजेस्टिव फंक्शन जो है या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है. वो स्टार्ट उस प्रोसेस से स्टार्ट होता है जब हमारा माउथ जो है वो सलाइवा बनाना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, जैसे ही हमारे मुंह में कुछ जाने वाला होता है वो खुद ब खुद जो है सलाइवा बनाना स्टार्ट कर देता है, तो वहां से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, कहाँ थे हम? फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल लिखो, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार. इमोशंस हेल्प प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमीडिएट एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर अफ्रेड और स्ट्रेस्ड आवर बॉडीज शट डाउन अननीडेड डाइजेस्टिव प्रोसेसेस रिजल्टिंग इन सलाइवा रिडक्शन अ सिचुएशन ऑफ ड्राई माउथ. ठीक है, अब कोट अनकोट में लिखो एक चीज, ब्लड फ्लोज डिसप्रोपोर्शनेटली स्पेलिंग लिखो DISPRO, एक मिनट मैं दिखाई देता हूं, disproportionately to the lower half of the body, comma, body releases the hormones. Third point, emotions influence thoughts. For example, it is easier to remember happy thoughts when we are happy and angry times when we are angry. ठीक है, जब हम खुश होते हैं तब हमें जो हमारे खुशी के पल जो होते हैं वो ज्यादा याद आते हैं, और जब हम दुख में होते हैं तो हमें जो हमारे दुख का जो टाइम होता है, जो हमारे गुस्से का टाइम होता है वो ज्यादा याद आता है. नेक्स्ट लिखो फुल स्टॉप. It is difficult to think critically and clearly. It is difficult to think critically and clearly when we feel intense emotions when we feel intense emotions but easier when we are not overwhelmed with emotions. Last point, emotions motivate future behavior. For example, you become conscious in your future actions to avoid any negative emotion
सच एज डिस्गस्ट कॉमा सॉरो और एंगर. That you have experienced in the past. Repeat कर रहा हूं. Fourth point है, emotions motivate future behavior. For example, you become conscious in your future actions to avoid any negative emotion such as disgust, sorrow or anger that you have experienced in the past. ठीक है, अब चारों के चारों point जो है वो discuss कराते हैं. ठीक है, इंट्रापर्सनल लेवल पे हमें जो इमोशन जो है वो हमें किस तरीके से मदद करते हैं. सबसे पहले हेल्प्स अस एक्ट क्विकली विद मिनिमल कॉन्शियस अवेयरनेस. ठीक है, अब अगर आपके अंदर इमोशंस हैं, ठीक है, तो आपको क्या हुआ कि आपको जो है किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, तो आप क्या करते हो उसका फट से जवाब जो है वो दे देते हो. वो क्यों देते हो? क्योंकि आप जो है आप एक इमोशनल इंसान हो, तो इस वजह से आप जो है फट से उसका जवाब जो है वो दे देते हो. या फिर क्या होता है कि किसी इंसान ने आपको कुछ बोला तो आप देखते हो ना, कई लोग जो है उसी टाइम पे रोना जो है वो शुरू कर देते हैं. वो लोग जो है बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं. ठीक है, उनके इमोशंस पे उनका कंट्रोल ही रहा, तो किसी ने उनको कुछ बोला तो उनको उसकी बात जो है बहुत बुरी लग गई. ठीक है, अब उनके बस में नहीं है कि उस बंदे को मार सके, तो उनके इमोशन जो है उनके आंसुओं से जो है वो बाहर आ जाते हैं. ठीक है, तो ये होता है पहला फंक्शन इसका इमोशंस का इंट्रापर्सनल लेवल पे. सेकंड क्या है, इमोशंस हेल्प प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमीडिएट एक्शन. ठीक है, कोई भी इमीडिएट एक्शन होता है तो हमारे इमोशन जो होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर देते हैं. जैसे कि मैंने आपको यूपीएससी का एग्जांपल दिया कि जब भी आपका इंटरव्यू होता है तो आपका गला जो है वो सूखता है. वो क्यों सूखता है? क्योंकि आपकी बॉडी जो है हर टाइम पे कुछ ना कुछ फंक्शन जो है वो करती रहती है. जैसे कि अभी भी जब आप लिख रहे हो या मैं बोल रहा हूं तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपने आप जो है वो वर्क कर रहा है. ठीक है, अब होता क्या है कि मान लो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है या आपको पढ़ाना है, ठीक है, तो मेरा मुंह जो है वो अपने आप सूखने लग जाएगा. ठीक है, तो वो चीज क्या होती है, जब आप स्ट्रेस में होते हो या आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम चाहिए होता है तो जो आपकी बॉडी होती है वो क्या करती है, जो बाकी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उनको या तो स्लो डाउन कर देती है, या फिर अगर बॉडी को लगे कि किसी काम की तरफ आपका ध्यान जो है वो ज्यादा होना चाहिए तो वो बाकी के प्रोसेसेस जो है या तो उनको रोक देती है या उनको स्लो डाउन कर देती है. ठीक है, ये आपका सेकेंड पॉइंट. थर्ड, इमोशंस किस में हेल्प करते हैं? इमोशन इन्फ्लुएंस थॉट. ठीक है, इट इज इजियर टू रिमेंबर, जो हमारे थॉट्स होते हैं उसको भी जो इमोशन जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे कि अगर आपकी किसी से लड़ाई होती है, ठीक है, अपने भाई बहन से लड़ाई होती है, तो आप क्या याद करते हो कि लास्ट टाइम जब हमारी लड़ाई हुई थी तब इसने मुझे ये बोला था, ये बोला था. तो जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें जो गुस्से के पल जो होते हैं वो याद ज्यादा जो है वो याद आते हैं. ठीक है, या फिर जब आप अपने कजन्स वगैरह से मिलते हो, बहुत टाइम बाद मिलते हो, तो आप ये इन चीजों को रादर देन आपके दुख के पल जो है आप उसके अलावा जो है जो आपके खुशी के पल जो उन्होंने आपने उनके साथ जो पिछली बार जब मिले थे जब वो बिताए थे तब आप जो है उनको जो है वो ज्यादा याद करते हो. यानी कि जब आप खुश होते हो तो आप अपनी हैप्पी मोमेंट्स को ज्यादा याद करते हो, और जब आप दुखी होते हो तो चाहे जितनी मर्जी हैप्पी मोमेंट्स हो आप उनको छोड़ के जो आपकी बुरी यादें जो होती हैं उसी पर्टिकुलर इंसान के साथ आप उसको जो है वो याद करते हो. ठीक है, ये था आपका थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट क्या है, इमोशंस मोटिवेट फ्यूचर बिहेवियर. यू बिकम कॉन्शियस इन योर फ्यूचर एक्शंस. आपको धीरे धीरे जब जो है आपको आदत हो जाती है कि मैं इमोशनल होके मैंने ये कदम उठा लिया. फॉर एग्जाम्पल कि हुआ क्या कि आपको किसी ने मार दिया या आपको किसी ने गाली दे दी, तो आपने क्या किया, पकड़ के उसका सिर जो है सिर पे जो है वो बैठ दे मारा. अब इस वजह से आपको क्या हुआ कि आपको जो है स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया या कुछ हो गया, या आपकी उम्र जो थी उस टाइम पे आप कॉलेज में थे 18 से ज्यादा थी, तो आपको हो सकता है आपके पास आपके अगेंस्ट केस जो है वो रजिस्टर हो जाए, या फिर आप कॉलेज भी क्रॉस कर चुके हो देन किसी ने गाली निकाली और आपने उसका सर फाड़ दिया तो उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, अब आपके अगेंस्ट एक्शन जो है वो लिया जाएगा. तो हमारे इमोशंस जो है ये हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें जो है हमेशा इमोशनल जो है वो नहीं होना है. ठीक है, आपको फ्यूचर के लिए जो है वो भी रेडी करते हैं. ठीक है, तो ये सारा काम होता है इमोशंस का. ऐसे ही अब ये हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों पढ़ रहे हैं एथिक्स में, कि जो एक ऑफिसर जो होता है, आईएएस ऑफिसर जो होता है, उसको कभी भी इमोशंस में आके फैसला जो है वो नहीं लेना होता है. ठीक है, इमोशन में आके लिया हुआ फैसला जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो गलत साबित होता है. ठीक है, तो आपको अपने दिमाग से जो है वो काम लेना है. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, फंक्शंस ऑफ इमोशंस. नेक्स्ट हेडिंग है इन इंटरपर्सनल रिलेशंस. लिखो, नंबर वन, इमोशनल एक्सप्रेशंस
facilitate specific behaviors emotional expressions facilitate specific behavior in perceivers PERCIEVERS in perceivers for example people observing fearful faces are more likely to produce for example people observing fearful faces are more likely to produce approach related behavior whereas people who observe angry faces are more likely to produce avoidance related behavior. दोबारा रिपीट कर रहा हूं फर्स्ट पॉइंट इमोशनल एक्सपीरियंस फैसिलिटेट स्पेसिफिक बिहेवियर इन परसीवर्स फॉर एग्जांपल पीपल ऑब्जर्विंग फियरफुल फेसेस आर मोर लाइकली टू प्रोड्यूस अप्रोच रिलेटेड बिहेवियर वेयर एज पीपल हु ऑब्जर्व एंग्री फेसेस आर मोर लाइकली टू प्रोड्यूस अवॉइडेंस रिलेटेड बिहेवियर ठीक है तो इसका एग्जांपल जो है वो आपने अपने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी टाइम में जो है वो देखा होगा कि जब आप कॉलेज क्लास में होते हो या कॉलेज में होते हो तो आप देखते हो कि आपकी क्लास में कुछ लोग जो है वो होता है उनकी शक्ल ही ऐसी होती है कि उनकी शक्ल पे लिखा होता है कि ये बंदा इससे बुला लेंगे तो ये हमारी नाक मुंह जो है वो तोड़ देगा ठीक है ऐसे लोगों के आप जनरली देखोगे कि ऐसे लोगों के दोस्त जो है वो बहुत कम होते हैं क्योंकि लोग अवॉइड करते हैं उनसे बात करना उनको लगता है कि ये बंदा हमेशा गुस्से में ही रहता है ठीक है और कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े जॉली नेचर के होते हैं तो उनके बहुत से दोस्त होते हैं ठीक है सभी लोग जो है वो उनको घेर के जो है वो रखते हैं ठीक है तो ये आपके इमोशनल एक्सप्रेशन जो है ये इस चीज पे क्या कहते हैं इमोशनल एक्सप्रेशन जो है उसे डिफाइन होता है कि हाँ आप जो है वो किस तरीके के इंसान हो ठीक है अगर आपके फेस के ऊपर एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा गुस्से वाले होंगे तो आपसे लोग जो है वो आपसे बात करना जो है पसंद नहीं करेंगे आपको अप्रोच करना पसंद नहीं करेंगे और वहीं अगर आप जॉली नेचर के होंगे आपका फेस जो होगा वो थोड़ा स्माइली फेस होगा तो लोग जो है वो आपको अप्रोच करेंगे सेकेंड पॉइंट इमोशनल एक्सप्रेशंस सिग्नल द नेचर ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फॉर एग्जाम्पल मैरिड कपल विद डिस्क्रीट एक्सप्रेशंस ऑफ कंटेम्प्ट शोज मैरिटल डिससेटिस्फेक्शन रिपीट कर रहा हूं इमोशनल एक्सप्रेशन सिग्नल द नेचर ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ठीक है जो आपके इमोशनल एक्सप्रेशन जो होते हैं जो आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है उसको भी जो है उसके नेचर के बारे में भी जो है वो बताते हैं फॉर एग्जाम्पल मैरिड कपल विद डिस्क्रीट एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट शो मैरिटल डिससेटिस्फेक्शन थर्ड पॉइंट emotional expressions provide incentives for desired social behavior for example in social interaction, we supplement our actions.
इन सोशल इंटरेक्शन वी सप्लीमेंट आर एक्शंस विद इमोशंस टू ऑगमेंट अ डिजायरेबल सोशल बिहेवियर therefore emotions are an important part of human existence emotions are important part of human existence and therefore it is imperative for individual to be emotionally intelligent full stop next heading डालो emotional intelligence अब इसका मतलब क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का जो हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा टॉपिक है देखो इट इज अबाउट नोइंग वन्स ओन इमोशंस and behaving in socially desirable way by regulating one's own emotions therefore emotional intelligence is about number 1 emotional competence number 2 social/behavioral competence emotional competence second social/behavioral competence पैरा चेंज लिखो बेस्ड ऑन दिस डिफाइंड इमोशनल इंटेलिजेंस एक मिनट बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूड emotional intelligence को EI लिखते जाओ emotional intelligence include number 1 self number 2 significant others para change these two components form the basis for two prongs of emotional intelligence number 1 intrapersonal emotional intelligence and interpersonal emotional intelligence first heading dalo intrapersonal emotional intelligence dekho it consists of self awareness and self management
and it rests upon following pillars. Number one, emotional self awareness. Number two, accurate self-assessment. Emotional self-awareness. Number one. Number two, accurate self-assessment. Number three, self-confidence. Number four, motivating oneself. Number five, commitment. Number six, optimism slash initiative. Number seven, adaptability. Number eight, innovation and expressive creativity. स्टार मार्क करके लिखो नीचे. वन टू एंड थ्री यानी कि इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस. वन टू थ्री आर रिलेटेड विद self awareness, whereas 4 to 8, 4 से लेके 8 तक आर रिलेटेड विद self management segment ऑफ intrapersonal. Self-management segment of intrapersonal emotional intelligence. Next heading डालो interpersonal emotional intelligence. लिखो. The various dimensions associated with this include number one, empathy, empathy, empathy. Number two, monitoring others. Number three, political awareness. Number four, handling relationships. एक मिनट, ships मत लिखना, ship लिखना. Handling relationship. Ability of teamwork. Number five, social influence. Number six, conflict management. And number seven, change catalyst, CATALYST, change catalyst. Repeat कर रहा हूँ, 7 points हैं. Number one है empathy, number two है monitoring others. लिख दिया हो तो उसको mentoring others. नंबर टू है मेंटरिंग अदर्स. अगर मैंने गलती से मॉनिटरिंग अदर्स कर दिया है तो उसको काट के मेंटरिंग अदर्स करो. नंबर वन है एम्पैथी, नंबर टू है मेंटरिंग अदर्स, नंबर थ्री है पॉलिटिकल अवेयरनेस, नंबर फोर है हैंडलिंग रिलेशनशिप एबिलिटी ऑफ टीमवर्क, नंबर फाइव है सोशल इन्फ्लुएंस, नंबर सिक्स है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, नंबर सेवन है चेंज कैटलिस्ट. पहला चेंज करके लिखो. देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस
ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये थ्योरीज पीपीएससी वाले बच्चों को नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। तीन थ्योरीज हैं, छोटी छोटी हैं, बिल्कुल छोटी छोटी हैं, चार पांच लाइनों की हैं, ठीक है, लिख लो, लेकिन आपको पूछी कभी नहीं जाएंगी, ठीक है। देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस सच एज, नंबर वन, बार ऑन थ्योरी, बार ऑन BARON apostrophe S थ्योरी, देखो इसमें, अकॉर्डिंग टू हिम इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ स्टेट, अकॉर्डिंग टू हिम इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ स्टेट ऑफ हाई लेवल ऑफ इमोशनल क्वोशेंट, दैट इज हाई लेवल ऑफ इंट्रापर्सनल स्किल्स, हाई लेवल ऑफ इंट्रापर्सनल स्किल्स। ये वाला क्वेश्चन लिखना है, QUOTIENT, हाई, कहाँ थे हम, अकॉर्डिंग टू हिम इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ स्टेट ऑफ हाई लेवल ऑफ इमोशनल क्वेश्चन, दैट इज हाई लेवल ऑफ इंट्रापर्सनल स्किल्स, हाई लेवल ऑफ इंट्रापर्सनल स्किल्स, कॉमा, हाई लेवल ऑफ, जिन बच्चों ने इंट्रापर्सनल स्किल्स लिख लिया है, ठीक है, वो कॉमा डाल के इंटरपर्सनल स्किल्स लिख लो, मतलब दोनों ही आएंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स भी आएंगे और इंट्रापर्सनल स्किल्स भी आएंगे, ठीक है। और अगर मैंने इंट्रा पहले बोल दिया है तो इंटर बाद में लिख लो, इंट्रा पहले लिख लिया तो इंटर बाद में लिख लो, ठीक है, यानी कि दोनों चीजें आएंगी, इंटरपर्सनल स्किल कॉमा इंट्रापर्सनल स्किल्स कॉमा अडेप्टेबिलिटी कॉमा स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड अ जनरल गुड मूड, एंड अ जनरल गुड मूड। रिपीट कर रहा हूं सारी थ्योरी, अकॉर्डिंग टू हिम इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ स्टेट ऑफ हाई लेवल ऑफ इमोशनल क्वेश्चन, दैट इज हाई लेवल ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स कॉमा इंट्रापर्सनल स्किल्स कॉमा अडेप्टेबिलिटी कॉमा स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड अ जनरल गुड मूड। मूड अच्छा होना चाहिए, गुड मूड। सेकेंड थ्योरी लिखो, मेयर एंड सलोवे, MAYER एंड SALOVEY, देखो, they rest their theory of emotional intelligence on four factors. Number one, perceiving emotions. Number second, reasoning with emotions. Number three, understanding emotions. Number four, managing emotions. Theory repeat kar raha hu. They rest their theory of emotional intelligence on four factors. Number one, perceiving emotions. Number two, reasoning with emotions. Number three, understanding emotions. Number four, managing emotions. Third theory likho, Daniel Goleman. DANEIL. DANIEL, Daniel Goleman,
GOALMAN गोलमैन। देखो, he rest his theory of emotional intelligence. He rest his theory of emotional intelligence on four pillars. On four pillars. Number one, self-awareness. Self-awareness. Number two, self-management. Number three, social awareness. Number four, relationship management. Relationship management. Next heading डालो, characteristics of high emotional intelligence. जिसकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो हाई होगी, वो किस तरीके का इंसान होगा, ठीक है? नंबर वन, ऑप्टिमिज्म, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होगा वो बंदा, उसमें होप होगी, ठीक है, ऑप्टिमिज्म स्लैश होप। नंबर टू, इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, इमोशनली स्टेबल होगा वो बंदा, ठीक है, इमोशंस में आके फैसले जो है वो नहीं लेगा, ठीक है, एक्सट्रीम फैसले जो है वो नहीं लेगा। नंबर टू, इमोशनल इंटेलिजेंस। नंबर थ्री, कंसिस्टेंस इन बिहेवियर, ठीक है, उसका जो बिहेवियर नॉर्मल कंडीशंस में है, थोड़ी कंडीशंस उसकी खराब होंगी, उसका बिहेवियर जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, यानी कि इमोशंस उस पर हावी नहीं होंगे तो उसका बिहेवियर जो है वो चेंज नहीं होगा, उसका बिहेवियर जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो कंसिस्टेंस इन बिहेवियर। नंबर फोर, सेंस ऑफ कंटेनमेंट स्लैश सेटिस्फेक्शन, ठीक है, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऐसे है कि आप देखते हो कि अगर आपका पड़ोसी जो है उसने बड़ा घर ले लिया या बड़ी गाड़ी खरीद लिया, तो आपके अंदर जो है आप इमोशनल होके जो है क्या कहते हैं, औरतें जो होती हैं वो अपने हस्बैंड को जो है ये कहना शुरू कर देते कि जी इन्होंने नई गाड़ी ले ली है, हम कब लेंगे, ये है वो है, ठीक है, अपनी जो है कंडीशन जो है वो उसको नहीं देखती है, ठीक है, तो सेंस ऑफ कंटेनमेंट जो है अगर किसी इंसान के अंदर है, या सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है उस इंसान के अंदर कि ठीक है यार जितना मेरे पास है वो बहुत है, ठीक है, तो ये जो है ये हाई इमोशनल इंटेलिजेंस का सिंबल है, करेक्टरिस्टिक है। नंबर टू, रैशनल थिंकिंग, हमेशा रैशनली सोचेगा वो। नंबर फिफ्थ पॉइंट है आपका रैशनल थिंकिंग, सेंस ऑफ कंटेनमेंट है आपका फोर्थ पॉइंट, दोबारा बोल देता हूँ, ऑप्टिमिज्म फर्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमिज्म स्लैश होप फर्स्ट पॉइंट, नंबर टू इमोशनल स्टेबिलिटी, नंबर थ्री कंसिस्टेंस इन बिहेवियर, नंबर फोर सेंस ऑफ कंटेनमेंट स्लैश सेटिस्फेक्शन, नंबर फाइव रैशनल थिंकिंग, नंबर सिक्स एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट एटीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट, विल नेवर थिंक इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, मिडल पाथ पे रहेगा वो, ठीक है, ना तो ज्यादा एक्सट्रीम इस साइड जाएगा, ना ज्यादा एक्सट्रीम इस साइड जाएगा, ना बहुत ज्यादा अच्छा होगा ना बहुत ज्यादा बुरा होगा, ठीक है, वो एक मिडल पाथ पे रहेगा, विल नेवर थिंक इन ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट होगा वो आपके ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस। नाइन्थ, इनसाइटफुल अबाउट थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जब आप इमोशंस में आके फैसला लेते हैं दूर तक नहीं सोच पाते आप, ठीक है, आप इनसाइटफुल जो है वो नहीं होते, जब आप इमोशनली स्टेबल होते हो तो आप जो है वो आगे तक जो है वो सोच पाते हो, ठीक है, इनसाइटफुल अबाउट थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबल येट गोल ओरिएंटेड, ठीक है, गोल ओरिएंटेड होगा लेकिन उसी के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका गोल जो है वो ये है कि आपने 5 घंटे के अंदर जो है आज 2 इसके चैप्टर जो है वो फिनिश करने हैं, ठीक है, तो आप जो है क्या कहते हैं 2 चैप्टर्स जो है आप उतने ज्यादा जो है गोल ओरिएंटेड हो लेकिन उसी के साथ साथ आप फ्लेक्सिबल भी हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको कोई बहुत जरूरी काम जो है वो आ गया, ठीक है, आपकी मम्मी ने कोई बहुत जरूरी काम कह दिया, तो आप जो है उस अपने आप को उस तरीके से फ्लेक्सिबल रखो कि हाँ मुझे अपना गोल जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है, भले मुझे जो है अगर मेरी मदर ने मुझे कुछ काम दिया है तो वो हो सकता है जो आपका गोल जो है वो आधा घंटा जो है वो लेट हो जाए, ठीक है, आपको गोल ओरिएंटेड रहना है लेकिन फ्लेक्सिबल भी रहना है। अब आप क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि मान लो उन्होंने टारगेट बनाया कि मुझे 2 घंटे में या 5 घंटे में, 5 ज्यादा हो जाएंगे, 4 घंटे में हमें जो है 2 चैप्टर जो है वो खत्म करने हैं, ठीक है,
तो हुआ क्या, पहली कंडीशन में क्या हुआ कि इसकी मदर जो है इसके उसके पास आई, उसने बोला कि तुझे ना मार्केट जाना है और ये पर्टिकुलर काम जो है ये करके आना है, ठीक है। तो आपने क्या बोल दिया, नहीं मेरा गोल ये है तो मैं जो है मैं अपना गोल ओरिएंटेड रहूंगा, मैं मार्केट जो है वो नहीं जाऊंगा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नहीं दिखाई, ठीक है। नंबर टू, अब आप क्या करते हो कि आपकी मम्मी ने बोला कि दो घंटे आपको पढ़ते हुए थे तो चार घंटे में आपने दो चैप्टर जो है वो खत्म करने थे, तो एक चैप्टर आप दो घंटे में खत्म कर चुके थे, ठीक है। मीन वाली आपकी मम्मी है, उन्होंने बोला कि मार्केट जाना है, तो आपने क्या किया, ठीक है मैं मार्केट चला जाता हूँ, फ्लेक्सिबल हो गए। लेकिन बाद में जब आप वापस आए तो आपका मन ही नहीं किया कि मुझे वो सेकंड चैप्टर जो है वो फिनिश करना है, तो आपने ये भी नहीं करना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जो मतलब प्रॉपर जो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस जो शो करता है करेक्टरिस्टिक्स, वो क्या होगा कि दो घंटे आप पढ़े, देन मार्केट गए, आपको पता है कि मेरा आधा घंटा जो है वहां पे वेस्ट हो गया, देन वापस आके आपने अगले दो घंटों में अगला एक चैप्टर जो है वो फिनिश किया। ये मतलब है इसका इनसाइड, क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल येट गोल ओरिएंटेड। आपने अपना गोल जो है वो उस दिन का गोल था कि चार घंटे के अंदर दो चैप्टर जो है वो फिनिश करने हैं, तो वो आपने किए। हाँ, बीच में आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ी, तो वो भी आपने दिखाई, ठीक है। तो ये होता है। लास्ट पॉइंट है लीडरशिप स्किल्स। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लो इमोशनल इंटेलिजेंस। लिखो सबसे पहले जो इनर करैक्टरिस्टिक्स है उसी की ऑपोजिट होंगी। नंबर वन लिखो पेसिमिज्म या होपलेस। नंबर टू इमोशनल इंस्टेबिलिटी। नंबर थ्री इनकंसिस्टेंसी इन बिहेवियर। नंबर फोर इरेशनल थिंकिंग। नंबर फाइव स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड। नंबर सिक्स इंडिफरेंस एंड डिसकंपैशनेट एटीट्यूड। नेक्स्ट लिखो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट इंपेशेंस। नेक्स्ट इमोशनल विड्रॉल कॉमा फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट लैक ऑफ इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। और लास्ट लिमिटेड रेंज ऑफ बिहेवियर। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, दोनों करैक्टरिस्टिक्स जो है वो रिपीट कर रहा हूँ, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस की भी और लो इमोशनल इंटेलिजेंस की भी, दोनों रिपीट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑप्टिमिज्म/होप, इमोशनल स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर, अ सेंस ऑफ कंटेनमेंट/सेटिस्फेक्शन, रैशनल थिंकिंग, एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट एटीट्यूड, विल नेवर थिंक इन ब्लैक एंड व्हाइट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनसाइटफुल अबाउट थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, फ्लेक्सिबल येट गोल ओरिएंटेड, और लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, अब लो इमोशनल इंटेलिजेंस की करैक्टरिस्टिक्स, पेसिमिज्म, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी इन बिहेवियर, इरेशनल थिंकिंग, स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड, इनडिफरेंस एंड डिसकंपैशनेट एटीट्यूड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इंपेशेंस, इमोशनल विड्रॉल, कॉमा फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट लैक ऑफ इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, और लास्ट है लिमिटेड रेंज ऑफ बिहेवियर। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा आज का पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का वो खत्म होता है। कल की क्लास होगी वो भी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर होगी, एंड देन उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कवर करेंगे केस स्टडीज जो है, तीन केस स्टडीज जो है वो हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।